ज़्यादातर मुंडे कुड़ियां जिहड़े जॉब करते हैं सारे जिम्मां च उन्हां नूं इक प्रॉब्लम आउंदी है चेंजिंग रूम दी, तां उह असीं इक अलग तुसीं दिखा सकदे हो। जेंट्स दा चेंजिंग रूम अलग, लेडीज़ दा अलग, टॉयलेट अलग, और यह मेन जिहड़ा हैगा असीं लॉकर फैसिलिटी दित्ती है। ठीक है, तुसीं अपना इत्थों ही कोई चेंज ड्यूटी वाले मतलब अपने क्लॉथ तुसीं इत्थे रख सकदे हो। ठीक है, इत्थे तुसीं रेडी होकर जा सकदे हो, अपना वर्कआउट क्लॉथ शूज़ वगैरह तुसीं इत्थे ही संभाल सकदे हो कि तां कि तुहानूं घर जाण दी जां कितें आपणे पीजी जाण दी कोई जरूरत ना पवे। हाँ जी दोस्तों, सारे वीरों नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। मैं थोड़ा अपना सुखी शेरगिल, पिंड हरीगढ़, जिला बरनाला। दोस्तों अज मैं साडे शहर बरनाले दे विच खड़ा, तो इत्थे ना थोनों एक अजिही चीज़ दिखाउण लग्गिया, जिम द वैलनेस जिम बरनाले दे विच खुल चुकी है मित्रों, जिहड़ी कि अपने पंजाब दे विच कह लईए भी तीजी जिम आगी, जिहदियां पहलां दो ब्रांचां जलंधर ते लुधियाणे ने, तो तीजी ये अपनी खुली है बरनाले मित्रों। तो बरनाले ये खुली कित्थे आ, मैं तुहानूं पहलां समझा देवां। जिहड़ा अपना कचहरी चौंक वाला पुल आ जांदा गा, जिहनूं कचहरी चौंक कह दिंदे आ गे, उहदे बिल्कुल सामने जिथों आ पुल जांदा गा पक्का कालज रोड नूं, इत्थे ही ना नाल बाई होरां दी द वैलनेस जिम क्लब आ मित्रों, जिहदा इन्हां दा जिहड़ा मॉडल आ गा आपां कह दईए भी ओह राहुल देव है, जिन्हों आप फिल्मों के देखते रहे हैं बई बंदे का जिहड़ा शरीर है ना तो बड़ा फिट है, इहदा शरीर फिट हैगा ही हैगा। उत्तों जिहड़े वीर ने यह जिहड़ी फ्रेंचाइज हैगी जिम खोली हैगी, बई रणजीत सिंह जी ने, जिन्हां नूं तुसीं आम ही आपां कह दईए भी BBC न्यूज़ ते जां होर जिन्ने भी न्यूज़ चैनल नेगे उन्हां ते जां अखबारां दे विच तुसीं देखिया होगा भी जिहड़े बई ने नैचुरल तौर पर आपदी बॉडी फिट कीती है, कीती कदों आ 40 साल की उम्र तो बाद। आज आपां बई जी तो इन्हां दे सफर दे बारे जानदे आ, ते नए उद बाद च गल्लां बातां करदे आगे। बई सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल बई जी, होर ठीक हो बई जी? हाँ जी वधिया जी। बई जी पहलां तुहानूं वधाईआं बहुत बहुत जी, धन्यवाद। तुसीं वधाई दे हकदार हो, क्यों जिवें आपां कह दईए भी आम नहीं अपने की हुंदा है, बंदा कहिंदा भी यार 40 साल तो बाद तां शरीर फिट नहीं हुंदा है ना, ते पर तुसीं इक आपदा शरीर कहिए भी ओह उम्र च जाके फिट करता, जदों एग्जाम्पल फिट करती भी हाँ यार भी बंदा जे चाहे तां कुछ भी कर सकता। तो जे आपां देखिए भाई जिंदगी दे विच एडा बदलाव किवें आया, तो आ जिम खोलण वाला जिहड़ा मन दे विच विचार आ उह किवें आया ना, अज तुसीं खड़े हो जाओ जी, आपां ने तुहाडी जिम दा रिव्यू करदे आ हरी दा। तो सब तो पहला बई मैं थोड़े सफर बारे जानना चाहना, जिमें मैं थोड़िया पहलों दी फोटोआं देखियां ने ते साडे दर्शक वीर भी उपर देख रहे ने है ना, तुसीं बिल्कुल अनफिट सीगे। उस तो बाद इको लखत यह फिटिंग दे विच किवें आया भी एक अनफिट बंदा जिहदा मैथों ही वध ढिड वधिया पिया सीगा है ना, तो उस तो बाद भी इको लखत दिमाग दे विच फिट होण दा कीड़ा आ जांदा गा, वह किवें सारी गलबात हुई है जी? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਏਜ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਹੈ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਕਾਫੀ ਅਕੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਟ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਮ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਬਣਾਵਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲਦੀ
मसल बनाने का टोन्ड बॉडी बनाने का वो कुछ स्टीरॉयड वगैरह कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ठीक है जी अगे जाके उन्होंने काफ़ी नुकसान होंगे ने अच्छा जी सो मेरा खुद मैं अपने आप को नैचुरल मतलब फिट रखिया हूँ तक मेनटेन रख रहा तो ये मेरा मैसेज यही होंगे भी अपने आप को तुसी नैचुरली वधिया तरीके की डाइट लैके वधिया न्यूट्रिशन लैके प्रोटीन रिच डाइट लैके अपनी जी जो भी फिटनेस लैवल आ उन्हें तुसी अच्छे तरीके से लैके जा सकते हो और मेनटेन भी रख सकते हो ठीक है जी सो यही मैं अपने जिन्हें मेरे जिम के मैंबरस ने मेल ने फीमेल्स ने सारे आप इस तरीके ही मतलब गाइड करते हैं भी नैचुरल डाइट के अंदर बहुत कुछ है प्रोटीन है विटामिन सब कुछ है जो आप नॉर्मल डाइट चो ही आप भी जो भी आप चाहिए तो आपको बाहरों कोई प्रोडक्ट्स कोई होर कोई मेडिसिन कोई लैन की कोई जरूरत आप ठीक है जी बिल्कुल तो बई जी हूँ मैं सोचो ना थोड़ी यह फ्रेंचाइज बारे पता करना चाहूँगा भी जिम्मे दसाया थी भी यह अपने पंजाब दे विच तीजी फ्रेंचाइज है तीजी पहला जलंधर है जी फिर लुधियाना ते तीसरी इत्थे साडे अपने बरनाला शहर जानी कह लिए भी अपना भागां वाला जिला बरनाला है ना भी मतलब जलंधर लुधियाना दा चलो लोकां नूं उहनां नूं कहिंदे आ भी हाई लैवल दे एडवांस लैवल दे बंदे ने है ना अपना बरनाला मतलब अज दी डेट च ओह बरनाला नहीं रहा क्योंकि हुण अज दी डेट च देखो अपने किन्ने आउटलेट्स आ गए किन्ने बाहरलियां कंपनीज आ गईयां बाकी जदों छोटे वर्गे बंदे भाई इत्थे जिहड़ियां जिम्मां लिआउण लग गए है ना सो अपनी भी कोशिश आप शहर ली कुछ होर ये मतलब आप कह दी भी जिन्हें बरनाले लवे तीन चार जिले लगते हैं बई मैं तो कहना सारे सदा भी इतने आने है ना बिल्कुल बिल्कुल आओ साडा जिम देखो नवे इक्विपमेंट्स देखो वेट देखो मशीन देखो हर चीज़ का फर्क देखो बई सानू एक गल दसो मतलब तुम अपनी जिम के खास की है जिदे करके कहने भी थोड़ी जिम भी एक्सट्रा की आप कह दी खास की सहूलत दे रहे हो लोगों को बई खास असी वीर जी एक तो यह है भी असी एरिया खुला डुला रख्या है साडा 3300 स्क्वेयर फुट इको हाल है साडे कोई उपर नीचे दो दो तीन तीन हाल नहीं है ठीक है तो दूसरा साउंड सिस्टम असी बड़ा वधिया एक हाई टेक्नोलॉजी रख्या है तो तीसरा असी के मतलब रख्या है भी जिवें साडे कोले मतलब ज़्यादातर मुंडे कुड़ियां जिहड़े जॉब करते हैं सारे जिम्मां च उन्हां नूं इक प्रॉब्लम आउंदी है चेंजिंग रूम की तो वह असी एक अलग तुसीं दिखा सकते हो जेंट्स का चेंजिंग रूम अलग लेडीज़ का अलग टॉयलेट अलग और ये मेन जिहड़ा हैगा असी लॉकर फैसिलिटी दिती है ठीक है तुसी अपना इथों ही कोई चेंज ड्यूटी वाले मतलब अपने क्लॉथ्स तुसी इत्थे रख सकदे हो ठीक है इत्थे तुसी रेडी होके जा सकदे हो अपना वर्कआउट क्लॉथ्स शूज वगैरह ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਮ ਆਉਣਾ ਪਊ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹਾਉਣ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਸਭ ਸਭ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਆਈ ਬਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ सारे किसी भी जिम च 8x6 की शीशे की शीट किसी जिम च तुहानू नज़र नहीं आऊगी ठीक है ये 8x6 दी शीटां सारियां शीशे दी साडे जिम च ही लगियां होईयां ने नहीं बिल्कुल बई वधाई दे पात्रों हुण जिहड़ा तुसीं अपने बरनाले शहर दे लई इन्ना कुछ करिया ते असीं भी हुण मान नाल कहण योग्य हो गए भी दा वैलनेस जिम भरावो बरनाले जिहड़ियां मशीनां वगैरह ने बई जी इह सारियां मान लो फ्रेंचाइज़ी वल्लों प्रोवाइड हुंदियां ने उहनां उह आपदी देख रेख हेठ उह करदी बिल्कुल बिल्कुल सारी सर्विस सारी रिस्पोंसिबिलिटी साडे कंपनी दी है वैलनेस कंपनी दी ठीक है ते बाकी असीं प्रोपर गाइडेंस दिंदे आ साडे जिन्ने भी मेल फीमेल मैंबरस ने ठीक है जिस तरह तुसीं इह मशीन देख सकदे हो इहदा रनिंग एरिया इह बाकी जिन्ने भी जिम च मशीन जिहने सब तों ज़्यादा अच्छा काउंट रनिंग एरिया ही करता है ठीक है जी भी ये जो खेत्रफल कह दी पंजाबी भाषा भी ज्यादा लंबाई है ठीक है जी तो आ की चीज आ गई बई जी ये मैनुअल है जी वो मतलब बिजली से ऑपरेट अच्छा ये बिजली से ये आप खुद अपने आप चलाने अच्छा खुद अपने आप चलाना ठीक है जी तो इनू की कहें बई जी अगे क्रॉस ट्रेनर है जी अच्छा ਤੇ ਮੜਾ ਸਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਸੈਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਚੈਸਟ ਦੀਆਂ ਬੈਕ ਮਸਲਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਡਬਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਡਬਲ ਡਬਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਤੇ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪੈਕਡੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ
मतलब सारे जिम च ही होंगी हैगी है। अच्छा जी, ये मतलब रियर डेल्ट नूं आपां हिट कर सकते हैं, चैसट मसल नूं हिट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चैसट का वर्कआउट मतलब जी आप लाइए भी मशीनरी तो सोडे को सारी आ गई कोले जी नहीं होंगी है ना, तो इधरले पासे भाई आ डांस फ्लोर आ गया। हाँ जी, ये एक्टिविटी एरिया जी, ये एक्टिविटी एरिया है, भंगड़ा क्लासिज ठीक है, डांस क्लासिज, योगा क्लासिज ठीक है जी, स्ट्रैचिंग क्लासिज, वो सारिया असं ये खुले डुले एरिया च असी ठीक है। तो बई हुण आपां गल्लबात कर देंगे नाल ही भी जेकर किसी अपने नौजवान मुंडे कुड़ियां ने तुहाडे कोले दाखला लेना इहदे जिम दे विच है ना। हाँ जी, तो यह दोनों लिए मुंडे कुड़ी। हाँ जी हाँ जी, कॉम्बो है जी, साडा लेडीज टाइम अलग आ और कॉम्बो लेडीज और जेंट्स टाइम मॉर्निंग इवनिंग अलग बैचेज ने। अच्छा भी जे कोई कलियां लेडीज चाहण तां उह अलग भी ला सकदियां ने। बिल्कुल ठीक है, उहनां दी टाइमिंग की है जी? उहनां दी टाइमिंग मॉर्निंग 10 तों 12 जी, शाम नूं 3 तों 5 बजे तक। ठीक है जी, ते जेकर मान लो भी रल मिल के लाउणा तां? हाँ, वो मॉर्निंग इवनिंग कट्ठे है सारे। अच्छा, मॉर्निंग इवनिंग, क्योंकि साडा माहौल ही इस तरह का, इत्थे इस तरह का कोई माहौल ही है नहीं गा भी तुसीं फर्क फील करोगे मुंडे। बिल्कुल जी बिल्कुल, भी इत्थे आके जमा कंफर्टेबल फील करो बंदा। बिल्कुल जी, तो बई जी आपां गल करिए भी घट्टो घट किन्ने समय दे विच आपां नूं, मान लो कोई मेरे वर्गा बंदा लगता है ना जिहदी थोड़ी जी सेहत आपां कह दईए भी उल्टा सीधा खाण पीन करके वजन बढ़िया हुआ है। हाँ जी सर, ये तुहाडी नहीं, ये अजकल 80% लोगों की यही कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ जी, भी अक्सर लोग जिम च आते हैं भी बस असी कुछ नहीं करना, सानू डौले नहीं चाहिए, सानू चेस्ट नहीं चाहिए, असी तो बस आही घटाना आही घटाना, ये कॉमन प्रॉब्लम भी बस एक फिट जिहा हो गया जिवें कह दईए। सो उहदे च मैं यही कहना हुंदा भी तुसीं ये जरूरी नहीं है भी तुसीं कल्ला जे चाहो तो तुहाडा पेट आपां इहनूं इकदम घटा दईए, क्योंकि फैट आ जिहड़ी उह सारी बॉडी दी फैट परसेंटेज कम होएगी। अच्छा, जिमें जिमें कैलरीज बर्न करोगे वो सारी बॉडी की फैट परसेंटेज घट होएगी। अगर कोई कह रहा भी मैं कला टमी घटा दूंगा तो वह मिसगाइड कर रहा है। अच्छा, मिसगाइड ही है नहीं, जिमें आप देखिए भी अच्छा यूट्यूब पर वीडियो आई पी होंगी भी आएँ करो आएँ करो है, वो सब उन्होंने व्यूज लैन के चक्कर ने जी, ये पॉसीबल ही है नहीं भी तुम एक थान तो वेट घटा दो। जो तुम सोचोगे भी स्विमिंग पूल है उन्होंने एक खूंजे खाली कर लोगे, किमें कर लोगे? बिल्कुल, बड़ी वधिया बई सोहनी एग्जाम्पल दिती है ना, जे आपां कहीए स्विमिंग पूल मान लो उही अपने शरीर वाला काम हो गया, शरीर अपना बिल्कुल बिल्कुल फैट बर्न होएगी, सारी बॉडी दी परसेंटेज बर्न होएगी। बिल्कुल, तो इहदा बई जी तुहाडा जिवें कोई चार्जस वगैरह का जिवें किसी ने महीने लई भरदियां उहदा अलग होगा, कोई 3 महीने का पैकेज होगा वो अलग होगा, जां कोई आपां 6 महीने का 12 महीने का कहीए वो अलग अलग पैकेज है, जां की फीस वगैरह? हां, उहदे च अलग अलग पैकेज है, जिस तरह बाकी जिम दे हुंदे आ साडे भी फ्रेंचाइज दे उस तरह ही हैगे ने। ठीक है, तां उस असीं सुजैस्ट इह करदे हुंदे आ, देखो 1 महीने का अगर कोई सोच के आउंदा 1 महीने दी मैं जिम दी मैंबरशिप लैनी आ तां 1 महीने च उह की आ खुद आपदे आप नूं उहने रोक रख्या भी मैं सिर्फ 1 महीने ही ला के देखणा, तां उह चाहीदा की आ उहनूं घट्टो घट 3 महीने, 3 महीने जो देखो कोई ना कोई रिजल्ट तुसी कोई फिटनेस गोल अचीव करना, चाहे फैट लॉस है, वेट गेन है, वेट लॉस है, मसल गेन है, तो एटलीस्ट 3 महीने तुहानू एक प्रॉपर फोकस दे नाल प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए ने। ठीक है ठीक है, वो एफर्ट्स तुहानू लाने पैणगे फिर तुसी कोई गोल अचीव कर सकदे हो अपना। ठीक है, इहदे बई जी आपां करिए भी गाइडलाइन दीआं गल्लां करिए है ना, जिहड़ी कोचिंग दी उह सारी तुसीं आप ही दिंदे हो जां कोई अलग प्रोवाइड कर दोगे? नहीं, मैं खुद भी मोस्टली ज़्यादा टाइम मैं फ्लोर ते रहना, बाकी मेरी टीम है, एक्सपर्ट टीम है, सर्टिफाइड टीम है, वो खुद ट्रेन करते हैं जिन्ने भी साडे मैंबर्स ने। ठीक है जी, तो अपनी जिहड़ी प्रोपर लोकेशन वैसे तो मैं पहलां दिखाती जी, तो तुसीं भी दस दो भी अपनी द वैलनेस जिम बरनाला दी जिहड़ी लोकेशन हैगी प्रोपर वो कित्थे आ जांदी? ये अपने कचहरी चौंक है जी, अपना मेन अजकल सेंटर पॉइंट है शहर का, तो कचहरी चौंक के नाल पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के नाल GST दफ्तर है, जितों फ्लाईओवर शुरू हुंदा है, यह पहली बिल्डिंग है। ठीक है जी, तो अपना कोई कंटैक्ट नंबर वगैरह जी, जां अपना कोई जिवें कह दईए अपने यूट्यूब फेसबुक इंस्टा के कोई अपने पेज बने हुंदे तो किस नाम से बने हुए? हाँ, पेज मेरा जिहड़ा खुद का एक परसनल पेज है वो अनब्रेकेबल रणजीत के नाम से आ, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी, और जिम का जिहड़ा हैगा उहदा वैलनेस क्लब जिम एक्सप्रैस बरनाला के नाम से। ठीक है, मोबाइल नंबर हैगा 9107-97070 9907-97070 सो ठीक है बई जी, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। तो रणजीत बई जी, तुम आपके वालों कोई अपने कह लिए भी नौजवानों भी तो सारे इंसानों भी की सुनेहा देख देना चाहोगे खास तौर पर फिटनेस से, क्यों करोना तो बाद जिमें आप देखे है ना लोगों के भरम भुलेखे चके गए भी किसी को पैसा किन्ना हो, प्रॉपर्टी किन्नी हो, पर जेकर थोड़ा शरीर स्टैमिना नहीं है तो थोड़े पल कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी, ये देखो लोगों लोग हूँ अवेयर हो गए कोविड के बाद, मतलब हर एक पता चल गया अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंोंग है तो ही आप मतलब एक हैल्दी हैं, तो अदरवाइज देखो काफ़ी लोग मतलब एक अपने तो छड़ के चले गए जेडे
इम्यूनिटी वीक सी। तो सो मेरा मैसेज यही है भी कुछ मतलब ये ना समझो भी आप यार अपने को टाइम नहीं है आप ठीक है कुछ शॉप करते हैं जॉब करते हैं थक जाने टाइम ये सब एक्सक्यूजेज ने ठीक है वो तुसी दिखा सकते हो 1 आवर वर्कआउट 4% ऑफ योर डे ठीक है 1 घंटे का वर्कआउट सिर्फ 4% है तुहाडे सारे दिन का ठीक है जी। अगर तुसी आप दे आप नू इन्ना टाइम भी नहीं दे सकते तो ये तुहाडे एक बहाने ने बिल्कुल जी आपके लिए समा नहीं कर सकते है ना ठीक है ना। सो मेरा मैसेज ये है भी थोड़ा टाइम आपके लिए जरूरी नहीं है भी जे मैं एक जिम ओनर हां तो मैं कहूंगा जिम जाके ही फिट हो सकते हो वो एक लेवल है तुसी एक लेवल तुसी आपके कोई भी पार्क है कोई मतलब खुली जगह है तुसी अपनी छत ते किते भी कोई योगा कोई साइकिलिंग कोई भी एक्टिविटी है हर एक बंदे नू करनी चाहिए है तो वो करके वो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग रख सकता आपके आप नू फिट रख सकता आप फिट है तो वह परिवार भी सोचूगा परिवार फिट है तो सारी अपना समाज सोसाइटी उहदे लई भी बिल्कुल चंगा मैसेज है बिल्कुल असल च बाकी जो बंदा फिट हो ना तो बंदे का कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बिल्कुल होंगे जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस होंगे। मैं देखता मेरे जिम च कोई ऐसे जे भी ने जिहड़े पहले दिन आके कहिंदे सी भी सानू कुछ नहीं पता असी सिर्फ बस आही करना ट्रेडमिल ही करने वो करनी है तो अज वो इस तरह के वर्कआउट लगा रहे हैं एडवांस भी जिन्होंने देख के असी भी खुद मोटीवेट होंगे भी यार सानू आपदे आपदे प्राउड होंगे भी असी इन्हों गाइड किया तो यह अज आपदे आप इस लैवल पर लैके आ गए बिल्कुल जी बिल्कुल। सो ठीक है बई जी सोडा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। तो दोस्तों साडे वालों एक ही सुनेहा सीगा भी सारे वीरां नूं जिहड़ा दसीए है ना भी अपने बरनाले दे विच इन्नी सोहनी इन्नी वधिया फ्रेंचाइज़ दी जिम खुल चुकी है द वैलनेस जिम बरनाला ते बाई रणजीत जी हुंदे ने इत्थे सानूं स्पैशली मोटीवेट करन लई कोई भी इनकुआरी होवे तां इहनां दे उपर दित्ते नंबर ते संपर्क कर सकदे हो। सो ठीक है दोस्तों धन्यवाद मेहरबानी थैंक यू लव यू ऑल।